गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ पेस्ट्री प्रोडक्ट्स जो है क्रोजो और डैनिश पेस्ट्री। तो ये जो है लैमिनेटेड पेस्ट्री है बट इसमें ईज ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और कैसे बनेगा हमारा। जो यूज़ होंगे सबसे पहला है मैदा, उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे मार्जरीन। वी आर यूजिंग मार्जरीन एज फैट। एंड देन ये जो आपको मिक्सचर दिख रहा है ये है वाटर, ईस्ट, लेमन जूस, शुगर एंड सॉल्ट। और एंड में आपको दिख रहा है जैम। ये जैम हम टॉपिंग करेंगे डैनिश पेस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें फ्लाई ले लेना है प्लानिटरी मिक्सर में और अब हम इसमें डालेंगे मिक्सचर ऑफ ईस्ट, लेमन जूस, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे ऑन कर देंगे। उससे पहले हमें डालना है फैट, तो अब हम इसमें फैट डाल देंगे। फैट हमें थोड़ा ही डालना है, बाकी का बचा हुआ फैट हम लोग लैमिनेशन के टाइम पे यूज करेंगे। ऑन कर देंगे अपने प्लानिटरी मिक्सर को डो बनाने के लिए। एक सॉफ्ट डो बन जाएगा और फिर हमें इसे लैमिनेट करना है फैट से। डो अब रेडी हो गया, देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये, बहुत ही सॉफ्ट और प्लायबल है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए डालेंगे आधे घंटे के लिए और फिर निकाल करके लैमिनेट करेंगे 3 बार मार्जरीन से। सो हमारा डो जो है वो रेस्ट कर चुका है 20 मिनट्स। अब हमने इसे निकाल दिया है, विल रोल इट एंड देन विल स्प्रेड द फैट ओवर इट। हमने फैट को स्प्रेड कर दिया है प्रॉपरली, आप देख सकते हैं। अब हम इसे बुक फोल्ड दे देंगे। तो ये हमने बुक फोल्ड दे दिया। हम चाहे तो इसके ऊपर भी थोड़ा बचा हुआ फैट जो है स्प्रेड कर सकते हैं, जो भी आपके पास में बचा हुआ है। हमने फैट को एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो जो थोड़ा बहुत फैट बचा होगा उसको आप ऊपर लगा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं और फिर से इसे हम एक बुक फोल्ड दे देंगे। तो ये हमारा जो है दो लैमिनेट हो गया। इसको फिर से हम 15 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट करने के लिए और फिर सेम प्रोसेस 3 बार रिपीट करेंगे। रेस्टेड इट 3 टाइम्स फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड नाउ आई विल बी रोलिंग इट एंड गिविंग इट द शेप ऑफ क्रोजो फर्स्ट एंड देन आई विल बी गिविंग द शेप ऑफ डैनिश पेस्ट्री। सो वी हैव टू रोल इट, सो नाउ वी हैव टू कट इट फॉर मेकिंग द क्रोजो। सो वी विल कट इनटू ट्रायंगल्स। We'll brush it with little bit of milk and then we'll give a crescent shape. As we are making crozo, so we have to give a crescent shape. So from here you have to roll it. Roll it with your soft hands. तो हमारा जो क्रोजो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बनाएंगे डैनिश पेस्ट्री। तो डैनिश पेस्ट्री के लिए हमें इसको कट करना पड़ेगा स्क्वायर में। स्क्वायर में कट कर लीजिए। कट करने के बाद फिर से कॉर्नर्स कट करिए, 4 कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कट करने के बाद में हमें इसे स्टिक करना होगा मिडिल में। आप देख सकते हैं कि एज को यहाँ पे स्टिक करना है, तो उसके लिए हम लोग मिल्क वॉश करेंगे। तो मैं यहाँ पे मिल्क वॉश दे देता हूँ जस्ट फॉर स्टिकिंग इट। इट लुक्स लाइक अ फ्लावर। तो हमने हल्का सा वॉश दे दिया, अब हम स्टिक करते जाएंगे। पहला एज आपको स्टिक करना है, फिर सेकेंड एज नहीं करना है, थर्ड एज करना है, फोर्थ नहीं करना है, फिफ्थ एज फिर से स्टिक करना है, सिक्स नहीं करना है, सेवन्थ फिर से स्टिक करना है। तो ये हमारा जो डैनिश है वो रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा हम जैम डालेंगे और फिर इसे प्रूफिंग के लिए 15 मिनट्स के लिए डाल दिए हैं। सो आफ्टर कटिंग वी हैव टू प्रूफ इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। आप देख सकते हैं हमने डैनिश पेस्ट्री और क्रोजो दोनों को 15 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए डाल दिया और फिर इसको निकाल करके हम बेक कर दें। नाउ यू कैन सी वी हैव केप्ट इट इनसाइड द प्रूफ फॉर सम टाइम सो दैट इट शुड रेज एंड देन ऑन डैनिश वी आर एडिंग लिटिल बिट ऑफ जैम।
इन बिटवीन एंड देन फाइनली वी विल बी बेकिंग इट. इट कैन बी बेक दैट 220 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 टू 40 मिनट्स. सो हियर सिंस वी विल बी एडजस्टिंग आवर ओवन एंड द ओवन गिव्स सम डिफरेंट टेम्परेचर, सो आई विल बी कीपिंग इट एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड वी विल बी बेकिंग इट फॉर 30 टू 40. तो ये हमारे फ्यूचर शेफ्स हैं जो आज सीख रहे हैं क्रोजो और डैनिश पेस्ट्री बनाना. और हमारा जो प्रोडक्ट था, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि वो रेडी हो गया और अब हम उसको बेक करने के लिए ओवन में डाल दिए हैं. आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं ओवन आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि इट इज़ ऑलमोस्ट डन और दो तीन मिनट में ये रेडी हो जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा ये कैसा है. सो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट था पेस्ट्री का, दैट इज़ डैनिश पेस्ट्री एंड क्रोजो, दे आर रेडी. आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और फाइनली आपको इसे सर्व कर देना है. यूजुअली हम बटर के साथ में सर्व कर सकते हैं, फिलिंग्स में हम चीज़ डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं और डैनिश में मैंने जैम डाला है तो आप जैम भी डाल सकते हैं. इट इज़ अप टू यू, योर चॉइस. कैसा लगा दोस्तों आपको आज का हमारा ये प्रोडक्ट जिसका नाम था डैनिश पेस्ट्री और क्रोजो? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. धन्यवाद.